गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है आपका संडे और आज हम देखेंगे अपने पिछले हफ्ते का वीकली करंट अफेयर्स। तो देख लेते हैं पहली खबर कौन सी है इस हफ्ते की। छब्बीस से लेकर के 2 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स इसमें आपका कवर होगा। सबसे पहले हम देखते हैं इस हफ्ते में जो भी प्रमुख त्यौहार मनाए गए हैं उनके बारे में। तो एक नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मनाया जाने वाला त्यौहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023। हर साल दिसंबर में इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड में। मेनली क्या है, जो नागालैंड के रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ के जो ट्राइब्स हैं, उनके बीच में आपस में समरसता बढ़ाने के लिए, आपस में गुडविल बनाने के लिए इस त्यौहार का आयोजन हर साल दिसंबर में किया जाता है। एक चिड़िया होती है हॉर्नबिल नाम की, जिसको काफ़ी पवित्र माना जाता है और उसी के नाम पर इस त्यौहार का नाम रखा गया है। तो कब से कब तक मनाया जाएगा? 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा यह त्यौहार। नेक्स्ट है जल इतिहास उत्सव। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। किसने किया जा रहा है? जो भी वाटर हेरिटेज साइट्स होती हैं या फिर जो रामसर साइट्स होती हैं, उनके प्रोटेक्शन को, उनके कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए और वहाँ पर टूरिज्म सेक्टर को ग्रो करने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय जल मिशन, नेशनल वाटर मिशन एंड इसके अलावा गंगा पुनर्निर्माण विभाग यानी कि गंगा रेजुनरेशन डिपार्टमेंट, इन दोनों के द्वारा इसको ज्वाइंट रूप से नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। क्या ऑब्जेक्टिव है? बताया था मैंने आपको, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर हेरिटेज साइट्स एंड प्रमोट टूरिज्म इन दीज एरियाज। अगला और काफ़ी महत्वपूर्ण उत्सव है इंडिया का, बाली यात्रा। कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा के कटक में हर साल इसका आयोजन किया जाता है। खासियत क्या है इसकी? ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर ट्रेड फेयर यानी कि व्यापारिक मेला है, पूरे एशिया में सबसे बड़ा। क्या? बाली यात्रा। अगला है सिख धर्म का एक पवित्र त्यौहार प्रकाश पर्व। जो सिख धर्म के फाउंडर थे गुरु नानक देव जी, उनका एक तरीके से बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन। कब? कार्तिक पूर्णिमा को, जो इस साल पड़ी है 27 नवंबर। अगर कार्तिक पूर्णिमा की बात की जाए तो ये हिंदू धर्म में भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण त्यौहार हो जाता है। इस दिन लोग गंगा स्नान के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हैं इस हफ्ते में जो कुछ नई नियुक्तियां, जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनके बारे में। आइलैंड कंट्री मेडागास्कर न्यू प्रेसिडेंट। तो ये आप सभी जानते हैं एक द्वीपी देश है मेडागास्कर, उसमें राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। इसमें किसने बाजी मारी है? एंड्रिए राजोलिना ने ये चुनाव जीता है। न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य की नई राज्य सचिव बनी है, नई मुख्य सचिव बनी है। कौन? वीरा राणा जी। न्यू चेयरमैन ऑफ फिनो पेमेंट बैंक कौन बने हैं? रजनीश के जैन जी। एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक, इसको ये किसको बनाया गया है? हर्ष कुमार भानवाला जी को। फर्स्ट वीमेन टू कमांड एंड आर्म फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर, तो ऐसा करने वाली पहली महिला बन गई है कर्नल सुनीता जी। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड कौन चुने गए हैं अभी? क्रिस्टोफर लक्सन। एंड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की कौन है? ये अनीश शाहजी, इसके नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। इससे पहले इसके वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। अगर फिक्की की बात करें तो क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो एक संस्था है फिक्की, उसके नए चेयरमैन बनाए, उसका नया चेयरमैन बनाया गया है किसको? अनीश शाहजी को। अगला कुछ क्वेश्चंस उनको देख लेते हैं। रिसेंटली इंडियन आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन सोल की इन विच ऑफ दीज स्टेट्स। आखिर किस चीज से रिलेटेड ये ऑपरेशन है? तो देश में से आतंकवादियों का काउंटर टेररिज्म।
तो आतंकवाद का सफाया करने के लिए, आतंकवादियों का सफाया करने के लिए भारत में ये ऑपरेशन चलाया गया है, किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। ऑपरेशन सोल की किस राज्य में? तो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में इस ऑपरेशन को चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली 73rd कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? कौन सा संविधान दिवस था? 73वां संविधान दिवस था भारत का, कब मनाया गया है? आप सभी जानते हैं 26 नवंबर को हमारा संविधान पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन मनाया जाता है भारत में संविधान दिवस। अगर आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें ये डेट मेंशन भी की गई है, 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था और इसकी कुछ एक्ट उसी दिन लागू भी कर दिए गए थे। बाकी पूरी तरीके से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 2 महीने बाद, 26 जनवरी 1950। ये बात आप सभी जानते हैं। कितने दिन में बनकर तैयार हो पाया था हमारा संविधान? तो इसको बनने में टाइम लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। टोटल इतने दिनों में हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था। इतना टाइम इसलिए लगा था क्योंकि हमारा संविधान जो है, इंडिया का संविधान, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। कब? 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंडियन विमेन आर इंक्लूडेड इन द BBC 100 विमेन लिस्ट रिलीज बाय BBC रिसेंटली? तो आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी है काफी फेमस, BBC, उसी संस्था के द्वारा टॉप 100 विमेन्स की लिस्ट निकाली जाती है, जो पूरे विश्व में सबसे 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली महिलाएं रही हैं इस साल में उनके बारे में। तो इस लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इस लिस्ट में टोटल 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। कौन कौन है ये महिलाएं देख लेते हैं। हरमनप्रीत कौर जी, इनके बारे में आप सभी जानते हैं, इंडियन वेमेन क्रिकेट टीम है उसमें काफी अच्छी प्लेयर हैं। दिया मिर्जा एक्ट्रेस हैं, इनके बारे में आप सभी जानते हैं, इनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा आरती कुमार राव जी एंड जत सुना तेंजिंग पाल्वो, इन 4 लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड इन विच ऑफ दीज सिटीज? तो ऐसे गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन इंडिया में पहली बार हो रहा है, कहाँ पर? तो भारत में इनका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। रिसेंटली खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने इसकी घोषणा की थी। इसका मकसद क्या है इन गेम्स का? तो इसका मकसद है उज्ज्वला। उज्ज्वला एक स्पैरो है, उसके ये इसको इसका इन गेम्स का मस्कट बनाया गया है। कहाँ पर उसका आयोजन किया जा रहा है? नई दिल्ली में। कब से कब तक? 10 से लेकर के 17 दिसंबर तक। वैक्सीन माबेला विच इज डेवलप्ड बाय इंडिया रिलेटेड टू विच ऑफ दीज डिजीज? तो माबेला वैक्सीन का रिसेंटली इंडिया ने आविष्कार किया है, रिसेंटली इसको डेवलप किया है। तो किस चीज़ की वैक्सीन है ये? क्या COVID-19 की, या फिर खसरा एवं रुबेला की, किटनेस का टीका है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो माबेला है, जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं मीजल्स का इन्होंने एम उठाया प्लस रुबेला, यहाँ से इन्होंने इन दोनों को नामों को मिला करके एक नई वैक्सीन का नाम बनाया मबेला। तो किस चीज़ की वैक्सीन है ये? मीजल्स एंड रुबेला की। नाम से भी आप कुछ कुछ इसका हिंट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सिक्स वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इज बीइंग हेल्ड इन विच ऑफ दीज सिटीज? तो आखिर आपदा प्रबंधन पर जो 6वीं विश्व कांग्रेस कांग्रेस है, उसका आयोजन भारत में
किस स्थान पर किया गया है? ऑप्शन है कोटा राजस्थान, बेंगलुरु कर्नाटका, देहरादून उत्तराखंड या कानपुर उत्तर प्रदेश। तो इस बैठक का आयोजन किया गया है कहाँ पर? उत्तराखंड के देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज इज द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज? तो पूरे साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में सेम सेक्स मैरिज, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला ऑफिशियल रूप से पहला देश कौन सा बन गया है? इंडिया। तो आप सभी जानते हैं रिसेंटली कुछ टाइम पहले इसमें इंडिया में इसके बारे में बात चल रही थी, लेकिन ऐसा करने वाला इंडिया पहला देश नहीं बन पाया था। इसके अलावा थाईलैंड, चाइना या फिर नेपाल। तो नेपाल ऐसा करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल में पहले से भी इस मामले में समलैंगिक विवाह को लेकर के काफी लिबरल कानून थे। अगली खबर देख लेते हैं। गजराज एंड एआई सॉफ्टवेयर लॉन्च फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स ऑन रेलवे ट्रैक्स लॉन्च बाय विच इंस्टीट्यूशन? तो गजराज नाम का एक एआई टूल विकसित किया गया है, इसलिए जो रेलवे ट्रैक पर हाथियों के साथ दुर्घटना हो जाती है उनसे उनको बचाने के लिए। तो किस संस्था ने इसको लॉन्च किया है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इंडियन रेलवे या फिर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये एआई टूल लॉन्च किया है इंडियन रेलवे द्वारा, इसको विकसित किया गया है, किस लिए? जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनकी वजह से किसी हाथी की उन पर उनके उन पर गुजरने की वजह से किसी हाथी की मृत्यु ना हो, उससे उनका बचाव करने के लिए एक एआई टूल डेवलप किया गया है। अगली खबर है, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड फास्टर 2.0 पोर्टल रिसेंटली? हाल ही में किस संस्था द्वारा फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? क्या विधि मंत्रालय के द्वारा, या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बार काउंसिल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो किस लिए? जो केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं उनका फास्ट ट्रायल कंप्लीट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इस पर किसी केस से रिलेटेड सारी जो जितनी भी जानकारी होगी, इंफॉर्मेशन होगी, वो इस पर डाल दी जाएगी, जिससे कि लोग इसका एक्सेस दे सकते हैं। अगली खबर है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कंप्लीटेड हाउ मेनी इयर्स इन स्पेस? तो जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसने हाल ही में कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो इसको लॉन्च किया गया था 1998 में। अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो कितने ईयर्स हो जाते हैं? 25 ईयर्स। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको शॉर्ट में ISS भी बोलते हैं, इसने अंतरिक्ष में हाल ही में अपने 25 वर्ष पूरे किए हैं। और अब तो इसको रिप्लेस करने की बात भी करी जा रही है। अकॉर्डिंग टू RBI फोरकास्ट, इंडियाज GDP राइज हाउ मैनी परसेंट इन Q2 जुलाई टू सेप्टेम्बर ऑफ 2023? तो आप सभी जानते हैं कि भारत में जो वित्त वर्ष होता है वो कब से शुरू होता है? अप्रैल महीने से, और एक साल को 4 क्वार्टर में विभाजित किया जाता है। तो इस हिसाब से अप्रैल मई जून जून तक पहला क्वार्टर होता है, एंड देन जुलाई से सेप्टेम्बर तक सेकेंड क्वार्टर होता है। तो इस सेकेंड क्वार्टर में जो इंडिया की GDP ग्रोथ थी उसका मेजरमेंट किया था, उसके आंकड़े 2 महीने बाद जारी किए गए हैं, नवंबर मंथ में। और इसके अनुसार जो GDP ग्रोथ रेट रही है इंडिया की लास्ट क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में 2023 के, वो कितनी रही है? तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट रही है, 7.6% के अराउंड। अगर वार्षिक रेट देखी जाए पूरे साल भरे की 2023 की, तो उसका अनुमान लगाया गया है 6.5 के रहने का। तो Q2 की कितनी है? 7.6%, काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट ये मानी गई है।
अगला है, रिसेंटली हु वॉन द अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023 टाइटल। तो फॉर्मूला वन जो रेस होती है उनका एक टाइटल था ये अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। किसने जीता है इसको? मैक्स वर्सटैपन। ये एक रेड बुल के ड्राइवर हैं। कौन? मैक्स वर्सटैपन जी ने ये खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली मेरियम वेबस्टर डिक्लेयर्स विच ऑफ दीज वर्ड एज इट्स वर्ड ऑफ द ईयर 2023। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कॉलिंस डिक्शनरी एंड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ये भी अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती हैं जो पहले ही हो चुका है। रिसेंटली किसने किया है? मेरियम वेबस्टर ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो इसने किया है घोषित ऑथेंटिक को। लास्ट ईयर कौन था? गैस लाइटिंग 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर था मेरियम वेबस्टर का। इस साल क्या है? ऑथेंटिक। रिसेंटली नास्कॉम साइंस अ एमओयू विथ एनआरडब्ल्यू टू सेटअप अ लॉन्च पैड इन विच ऑफ दीज कंट्रीज। तो आप सभी जानते हैं नास्कॉम कहाँ का है? इंडिया। एंड अगर बात की जाए एनआरडब्ल्यू की तो ये कंपनी है कहाँ की? जर्मनी की। तो इन दोनों के बीच एक लॉन्च पैड सेटअप करने के लिए एक एमओयू साइन हुआ है। किस केस में? तो जाहिर सी बात है कि अगर जर्मनी की कंपनी है तो जर्मनी में ही इसको स्थापित करने की बात करी जा रही होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। रिसेंटली इसराइल डिक्लेयर्ड विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में इसराइल ने किसे आतंकवादी समूह घोषित किया है? इंडियन मुजाहिदीन, ISIS, लश्कर ए तैयबा या फिर अलकायदा। तो रिसेंटली इसराइल ने लश्कर ए तैयबा को एक आतंकवादी समूह घोषित किया है अपने देश में। अगली खबर देखते हैं। रिसेंटली द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज लॉन्च विच ऑफ दीज प्रोग्राम टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा डॉक्टर। तो जो आयुर्वेदा डॉक्टर होते हैं उनकी जो नॉलेज होती है, उनका जो ज्ञान होता है उसमें बढ़ावा करने के लिए, उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। मतलब कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? किसने? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। किसके अंदर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है इंडिया की, उसके अंतर्गत ये संस्था आती है। तो ये मिशन है मिशन अग्नि। ठीक है, इस मिशन को लॉन्च किया है आयुर्वेद डॉक्टर जो होते हैं उनके ज्ञान को इन्हांस करने के लिए। आगे देख लेते हैं इस हफ्ते में जो कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं उनके बारे में। वाइज अवार्ड बाय कतर गवर्नमेंट, किस फील्ड में दिया जाता है ये? एजुकेशन की फील्ड में। कोई इंसान अगर एजुकेशन की फील्ड में कुछ अच्छा काम करता है उसको ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। वाइज अवार्ड कतर गवर्नमेंट के द्वारा किसे दिया गया? सफीना हुसैन को। क्या है ये? फाउंडर ऑफ एजुकेट गर्ल्स नाम की संस्था है, उसकी ये फाउंडर है। ठीक है, अगला है बुकर प्राइज 2023। ठीक है, ये किसे दिया गया है? ये पॉल लिंच जी को दिया गया है। किस फील्ड में? द प्रॉफिट सॉन्ग उनकी रचना थी उसके लिए उन्हें ये प्राइज दिया गया है। मेनली जो बुक्स इंग्लिश में पब्लिश होती हैं और फिर इंग्लैंड या फिर आयरलैंड में पब्लिश की जाती हैं उनको ये प्राइज दिया जाता है। निशान ए पाकिस्तान, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। क्या? निशान ए पाकिस्तान एक इंडियन को दिया गया है। किसे दिया गया है? डॉक्टर सेदना मुफद्दुल सैफुद्दीन फ्रॉम इंडिया, इनको ये अवार्ड इस साल दिया गया है। क्या कोई और भी इंडियन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है? जी हाँ बिल्कुल, मुरारजी देसाई को 1990 में ये अवार्ड दिया गया था। इसके बाद 1991 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था। तो मुरारजी देसाई पहले ऐसे व्यक्ति हैं, आप कह सकते हैं अभी तक के ऐसे पहले ही व्यक्ति हैं जिनको
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न, इसके अलावा पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान, दोनों से नवाजा जा चुका है। ठीक है, मुरारजी देसाई को एशियाज बेस्ट यंग एथलीट अवार्ड ये किसको दिया गया है? तो एक पैरा आर्चर है, एक तीरंदाज है, पैरा तीरंदाज कौन? शीतल देवी जी, इनको ये अवार्ड दिया गया है। कहाँ से हैं ये? जम्मू एंड कश्मीर से ये ताल्लुक रखते हैं। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी, UNHCR नाम की संस्था है, UN की एक बॉडी है, नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2023। तो मेनली जो शरणार्थी लोग होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है हर साल। तो किसको दिया गया है? तो एक सोमालिया के जर्नलिस्ट हैं और ये भी अपने अपने जीवन काल में शरणार्थी रह चुकी हैं, अब्दुल्ला मेयर, इनको यह अवार्ड इस साल दिया गया है। आगे देख लेते हैं, फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द लीजेंड ऑफ ऑनर। आप सभी जानते हैं कि इसी साल जुलाई 2023 में ये अवार्ड दिया गया था किसको? पीएम, इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी जी, इनको भी दिया गया था। एंड इसी साल ये अवार्ड एक और इंडियन को दिया गया है किसको? वीआर ललिता अंबिका, कौन है ये? इसरो साइंटिस्ट है। मेनली क्या है, जो भारत और जो फ्रांस के जो जॉइंट वो चलते हैं, प्रोजेक्ट चलते हैं, उनमें ये काफ़ी अच्छा काम करती हैं, और इनके इस काम को देखते हुए ही इन्हें फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो दिया गया है। किसको? वी आर ललिता अंबिका जी को। कौन है ये? इसरो की एक साइंटिस्ट है। ठीक है, फ्रेंच अवार्ड नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। तो मेनली क्या है, आर्ट एंड कल्चर की फील्ड में जो फ्रांस के आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देता है उसको ये उसको ये पुरस्कार हर साल प्रदान किया जाता है। तो किसको दिया गया इस साल? अर्शिया सत्तार जी को। कहाँ से हैं ये? इंडिया से ही है, इंडियन राइटर है अर्शिया सत्तार जी, इनको फ्रांस की सरकार ने ये अवार्ड प्रदान किया है। कुछ लोगों की डेथ हुई है उनके बारे में देख लेते हैं। एक पद्मश्री अवार्डी थे जावेरी लाल दलपत राम मेहता जी, कौन थे ये? पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, कहाँ से? गुजरात से, इनकी डेथ हो गई थी रिसेंटली। इसके अलावा जस्टिस फातिमा बीवी जी, इन सब इनके बारे में तो आप सभी जानते हैं कौन थी। तो ये भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी। कौन? जस्टिस फातिमा बीवी जी, इनका हाल ही में निधन हो गया। एंड इसके अलावा नोबेल लॉरेट हेनरी किसेंजर, कहाँ से थे ये? तो एक अमेरिका के डिप्लोमेट थे, वहाँ के नोबेल पीस प्राइज विनर भी थे। कौन? हेनरी किसेंजर जी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया था। तो ये थी पिछले हफ्ते की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। कल हम लोग फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।